12 साल की उम्र तब भी से कम मेहनत करते हैं। 12 साल की उम्र से तो पहले मैंने सुना था बचपन में फुटपाथ हाँ, पे भी आप लोग फुटपाथ पर बेचते थे। फुटपाथ शब्द खत्म हो जा रहे हैं, आप इनकी आंखों में वो आंसू देख रहे होंगे। ये होता तब है सर, आप प्लीज रोइए मत। और मैं आपकी कहानी जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कई अखबारों में पढ़ा है कि आप एक संघर्ष से धीरे 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 मेहनत करके आज इस मुकाम पर आए थे धीरे धीरे। क्योंकि अभी मुझे लग रहा है आपके परिवार में भी कितने लोग हैं सर? चार बच्ची हैं। अच्छा, पूरा चार बच्ची हैं और पत्नी हैं? पत्नी हम लोग हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने लोगों की शादी हो चुकी है? अभी किसी का नहीं, अभी तो करना था। अभी शादी नहीं हुई है? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी सोचते अगले साल शादी होगी, अगले साल ये करेंगे। सोचे थे अगले साल शादी करेंगे? साल साल नहीं पूछेंगे। देखिए, ये वाकई में एक होता है ना कि एक शब्द ख़त्म हो जाते हैं, आज हमारे पास शब्द ख़त्म हो जा रहे हैं। आप इनकी आंखों में वो आंसू देख रहे होंगे। ये होता तब है जब किसी को अंदर से जब दिल दुखता है। आप सिर्फ इसे मत समझिए, आज हम वीडियो इस वजह से भी बना रहे हैं क्योंकि हमें इस परिवार के लोगों के लिए सहानुभूति भी है और साथ ही आप लोगों से मदद की इच्छा भी है, क्योंकि इस परिवार ने वो संघर्ष के दौर देखे थे बचपन में। सर बचपन में क्या मतलब? 12 साल की उम्र तब भी से कम मेहनत करते हैं। 12 साल की उम्र से तो पहले मैंने सुना था बचपन में फुटपाथ हाँ, पे भी आप लोग फुटपाथ पे बेचते थे? फुटपाथ पे बेचते थे। हाँ। अच्छा, यहीं के हैं आप लोग? गोला में मकान है। फिर यहाँ पे धीरे 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 धीरे। अच्छा अच्छा अच्छा, सर आप प्लीज़ रोइए मत। हमारे ये सर आपसे बात कर लें थोड़ा सा, क्योंकि सर आप ये पे मोबाइल। क्या नाम है सर आपका? शंभू निगम। शंभू सर, क्या हुआ था, क्योंकि पूरी घटना हमने समझ ली। सर ये जैसे एक मिट्टी से और ज़मीन ले पे आसमान पे आए। अच्छा, और एक बाइक पाने की घटना कैसे हुई कि पूरे दुकान में आग लग गई और आग लगा एकदम मिट्टी में मिल गई। कुछ भी पता नहीं कुछ है कैसे नहीं, आग लगी नहीं। अच्छा अच्छा, है। आप लोगों की दुकान कहाँ पे थी? अपनी दुकान आगे है। आगे है, तो उस दिन आप कहाँ पे थे सर? यहीं पे थे सर। अच्छा, आए इसी के 5 मिनट बाद इसे आ गए। अच्छा, सबसे पहले कौन पहुँचा था? आप पहुँचे तुरंत, हम पहुँचे। अच्छा, सुबह ही सर जी, आ गए जी, थे जी, यहाँ जी, पे। हम उस दिन रात में गए थे यहाँ बंद करके 11:30 के करीब में, तो एकदम ठीक था, कोई समस्या नहीं था। अच्छा, सुबह आने के बाद हमें मालूम चला सुबह 6:30 करीब में। कितना तक, कौन सा दिन था वो? शनिवार का दिन था। शनिवार का दिन था जी। तो उसके बाद आप सुबह आए, तो उसके सुबह आए लोगों ने इन्फॉर्म किया, उसके इन्फॉर्म किया तब आए तब हम। अच्छा अच्छा, आने बाद मतलब छोटा उठाया तो इधर कोई सुनाई था, थोड़ा सा इधर कहीं जला था कहीं। अच्छा अच्छा, धुआं भरा हुआ था। तो हमने तब तक आग लग गई हुई थी, आग लगी हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रशासन कार्रवाई हुई तुरंत? गाड़ियाँ आई, लेकिन तब तक पूरा खत्म हो चुका था। अच्छा सर, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दुकानें थी, क्योंकि हमने तो बता दिया कि यहाँ जनरल स्टोर था, ये था, आप एक अच्छे तरीके से बताएं कौन कौन सी दुकानें यहाँ थी, कितनी दुकानें थी, क्या था, कितने रुपये थी? दुकानें लगभग मतलब हम चाह रहे थे ग्राहक आने पर घूमे ना, सब कुछ उपलब्ध मतलब जहाँ पूरा जल कॉम्प्लेक्स में पूरे दुकानें पूरा दुकानें थी पूरे दुकानें आपने थी या मतलब भाड़ा भी कुछ दिया था आपने? नहीं, भाड़ा पर लिए थे 24 कमरे। अच्छा अच्छा, 24 कमरे भाड़े पर लिए थे? नहीं लिए थे भाड़ा पैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, मैंने कुछ भाड़े पे थी कुछ ऐसे। हाँ, उसी तरह दे दिया। अच्छा अच्छा, परिवार के लोग भी अलग अलग जगहों पे काम करते थे? नहीं, इसी में सब लोग लगे थे। अच्छा, पूरा परिवार इसी में लगा था, मतलब पूरे परिवार की रोजी रोटी का साधन यही था, इसी में था। हाँ, अच्छा अच्छा, कौन सा दिन था वो? शनिवार। शनिवार का दिन था, कितनी तारीख? 11 फरवरी को। अच्छा, ऐसे पूरा घटना हुई। सर्वोत्तम क्वालिटी, जगह भरपूर, शादी हो या कोई भी पार्टी, बुक कीजिए जरूर मैरिज हॉल और किसी भी पार्टी के लिए अभी बुक करें शिवाय मैरिज हॉल हाटा बाजार। शादी हो तो शिवाय मैरिज हॉल में, क्यों सही कहा ना? जितने भी लोग हैं ना, प्लीज शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस परिवार को आज एक मदद की जरूरत है। और नीचे जो आपको लिंक दिख रहे होंगे, मैं चाहूंगा कि हम इस परिवार की एक एक दो दो रुपए 5 रुपए मदद करें वाकई में, क्योंकि इस परिवार ने वो अपना सब कुछ खो दिया। एक पटरी पर जो ज़िंदगी चल पड़ी थी उसे आग ने बेपटरी कर दिया, यही आज की वीडियो का प्रमुख शीर्षक है। और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं।
हम यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करने आए हैं, हम सिर्फ इस परिवार का वो दर्द दिखा रहे हैं जिसे अखबारों में भी या टेलीविज़न पे या मोबाइल पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे जहाँ भी रहे, चाहे सोशल मीडिया पे रहे, इस परिवार की आवाज़ बननी पड़ेगी, हमको बननी पड़ेगी, आपको बननी पड़ेगी, हम सबको बननी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस परिवार की मदद कीजिए, क्योंकि आज ये परिवार कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा है। हम आशा करेंगे सर कि ज़रूर हमारे जितने भी दर्शक हैं, लोग हैं, कुछ तो मदद होनी चाहिए सर। और सरकार से कुछ अभी तक कुछ राहत नहीं, अभी कुछ राहत नहीं मिला, तो ये भी चीज़ें हैं। आप वीडियो को लगातार देखिएगा, कैमरे के पीछे अजय हैं और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। एक बार मैं चाहूँगा सर, ये ऊपर वाला भी थोड़ा दिखा सकते हैं हम लोग, दिखा देते हैं सर पूरा, ये दिखा दीजिए वीडियो में हम लोग चला रहे हैं। ऊपर दिखाइए, ऊपर 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 मैरिज हॉल भी था ना यहाँ पे सर, ये मैरिज हॉल आपका ही था? अच्छा, ये मैरिज हॉल भी आपका था सर, इधर दिखा दीजिए पूरा। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए कैसी स्थिति, अब तो पूरा बनवाना पड़ेगा यहाँ पे सर, कितना खर्च आ जाएगा? अब वो मालिक आए थे इसका मतलब। अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ गए, बनेगा सब, मतलब बनेगा सब, बनेगा सब, आए थे देखो गए हैं। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए आपको पूरा ये जगह दिखा दीजिए कि यहाँ पे स्वयंवर मैरिज हॉल भी था, परिवार यहाँ पे किस तरीके से गुजारा कर रहा था, आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और हमने दिखाया कि किस तरीके से सर इतनी मेहनत करते हुए यहाँ तक इस मुकाम पे पहुँचे हैं, लेकिन वही आग ने इस परिवार को दुख ऐसा दे दिया है कि वाकई में आज शब्द नहीं निकल रहे हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कैमरे के पीछे अजय हैं और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं।